ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त साई भक्त मानंकु श्री साई सच्चरित्रर दशम अध्याय आमे पठन एवं श्रवण करिबा। समस्त साई प्रेमी मानंकु स्वागत जनाउछि। नवम अध्याय बाबा कहिथिले जे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। गीतार वर्णित अच्छी, उपनिषद वर्णित अच्छी, ईशा वाच्यमिदम सर्वम। भगवान अतिरिक्त संसार रे किछि नाही, सी ही सब किछि बनिचंती। एक कथा आमे नवम अध्याय शुणिले, एबे आमे दशम अध्याय शुणिबा पूर्वरु किछि समय बाबांकर नामगान करिबा, एहा परे आमे दशम अध्याय श्रवण करिबा। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जे जे साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। साई बाबा की असीम कृपारु आमे समस्ते सच्चरित्र श्रवण करुछे। मन ध्यानपूर्वक शुणंतु, बाबा समस्तंकर मंगल करंतु। अथ श्री साई सच्चरित्र दशम अध्याय। श्री साई बाबांक नित्य चर्या, शयन खट, शिरडीरे निवास, तांकर उपदेश ओ विनम्रता, नानावली, सुगम पथ, ए सब विषय आम शुणा। श्री साई बाबा को सर्वदा प्रेमपूर्वक स्मरण कर, कारण से सर्वदा अन्यर कल्याण निमित्त तत्पर तथा आत्मलीन रही था। स्मरण करने द्वारा जीवन और मृत्युर विषम समस्यार समाधान होता है। साधना मानक मध्य यह अति श्रेष्ठ तथा सर्व अपेक्षा सरल साधना, कारण एथिरे किछि व्यय करिबाकु पड़े नहीं, केवल मामूली परिश्रम द्वारा भविष्यत अत्यंत फलदायी होइथाय। रामचरितमानसरे तुलसीदास कहउचंती, सुमिरी सुमिरी नर उत्तर ही पार। गुरु हेउ किष्ट हेउ, तांकर नाम जदि आमे स्मरण करिबा अर्थात नामगान करिबा, जीभ आमर नाम प्रभुंकर, आमे जेतेबेले होना काहिंकि आ जिए के होना काहिंकि, यदि नाम स्मरण करा जाए ताहले के भवसागर आमे उद्धार हो पारिबा। श्रीमद शंकराचार्य कहिचंती, कलौ केशव कीर्तना, हरिन नाम हरिन नाम हरिन नामेव केवलम, कलौ केशव केशव कीर्तनम। तो बाबा मध्य से कथा कहउचंती जे नाम स्मरण द्वारा ए संसार आमे पार। तो जो पर्यंत इंद्रिय गुड़िक शक्तिशाली थिबे, प्रति मुहूर्त रे ई साधना आचरण करिबा उचित। अन्य समस्त देवादेवी केवल भ्रम पाई, गुरु ही साक्षात ईश्वर अटंती। आमको तांकर पवित्र चरण रे श्रद्धा रखिबाकु हेबो। से समस्त प्राणींकर भाग्य विधाता तथा प्रेममय प्रभु अटंती, जे अनन्य भावरे तांकर सेवा करिवे से एही भवसागर निश्चय मुक्ति लाभ करिवे। नैयायिक अथवा दर्शनशास्त्र अध्ययनर कौनसी आवश्यकता ही नथाय। जे भली नदी बा सागर पार करिवा समय रे नाविक उपर विश्वास रखिबाकु हुए, सेही परि विश्वास भवसागर पारी हेबा पई सद्गुरुंक उपरे रखिबा आवश्यक। सद्गुरु तो केवल भक्तर भक्ति भाव को देखी
ताहाको ज्ञान एवं परमानंद प्राप्ति करती। बाबांकर भिक्षावृत्ति भक्तंकर अनुभव तथा अन्यान्य विषय आम गत अध्याय शुणी एवं आम शुणा बाबांकर विचित्र बिछणा बिछणा अर्थात बाबा केउथरे सोउथिले। प्रथमे देखिबा बाबा किपरि शयन करथिले। श्री नाना साहेब डेंगले गोटे चारि हात लंब एवं हाते चौड़ा पट्टा श्री साई बाबा शयन निमन्ते आनिले। पट्टा को तले रखि सोइबा परिवर्ते बाबा मस्जिद छातरे थिबा पुरुणा बळारे लुगाधड़ी सहायतारे ताहाकु बांधि समांतराल भावरे झुलाई ताहा उपरे शयन करुथिले। लुगाधड़ीर सामर्थ्य बा केते तेणु समस्ते यार स्थायित्व नहीं शंका करुथिले। केवल पट्टार भार बोहिबा ता पक्षरे संभव नथिला। बाबांकर भजन ओजन संभालिबो किपरि जहा हेउ से कथा स्वयं साईराम जानते। तेबे यह बाबांकर एक लीला थिला बोली कह जाई पारे। कारण पुरुणा लुगाधड़ी बाबांक भार संभाली चलीला। बाबांकर एही पट्टा उपरे उपवेशन और शयन दृश्य देवता मानंक पाई मध्य दुर्लभ थिला। समस्ते आश्चर्य होउथिले जे बाबा किपरि पट्टा उपरकु चढ़िबे ओ सेथिरु ओल्हाइ। कौतूहल वशतः यार रहस्य देखिबाकु लोक माने उत्कंठार सह चाहि रहुथिले किंतु केही याकु बुझिबाकु सक्षम हेउ नथिले। दिनकु दिन भिड़ बढ़िबारे लागिबारु दिने बाबा पट्टाटिकु भांगी फिंगी देले। जदिओ बाबांकर अष्टसिद्धि प्राप्ति होइथिला से केबे भी तार प्रयोग करू नथिले कि तांकर सेथिपाई इच्छा मध्य नथिला। स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्ति होइथिबारु सेही सबु शक्ति तांक पाखकु आसी जाइथिला। ब्रह्मंकर सगुण अवतार बाह्य दृष्टि रे श्री साई बाबा तीनि हात लंबर जणे साधारण पुरुष थिले किंतु से समस्तंक हृदय रे विराजमान थिले। अंतर रे से आसक्ति रहित एवं स्थिर थिले। मात्र बाहरे जनकल्याण निमित्त सर्वदा चिंतित रहुथिले। अंतर रे से संपूर्ण निस्वार्थपर थिले। भक्त मानंक पाई तांकर हृदय रे परम शांति विद्यमान थिला किंतु बाहरे से अशांत प्रतीत हेउथिले। भितरे से ब्रह्मज्ञानी किंतु बाहरे संसार रे जड़ित होइथिबा परि जणा पडुथिले। से केबे प्रेम दृष्टि रे देखुथिले तो केते बेले पथर मध्य फिंगुथिले। केबे गाली देउथिले तो केबे हृदय रे लगाउथिले। से गंभीर शांत सहनशील थिले। से सर्वदा दृढ़ एवं आत्मलीन रहुथिले तथा सर्वदा भक्त मानंकर ध्यान रखुथिले। गोटिए आसन उपरे से विराजमान करुथिले ओ केबे यात्रा रे बाहरु नथिले। तांकर दंड एक छोटिया बाड़ी थिला जहाँ से सर्वदा निज पाखरे साईति रखुथिले। विचार मुक्त होइथिबा जोगु से शांत थिले। कांचन एवं कीर्ति रे तांकर सामान्य चिंता नथिला। भिक्षावृत्ति द्वारा से जीवन निर्वाह करुथिले। तांकर जीवन एही प्रकार थिला अल्लाह मालिक सर्वदा तांकर ओठरे नादिद हेउथिला। भक्त मानंक प्रति तांकर विशेष ओ अतूट प्रेम रहिथिला। से आत्मज्ञानर भंडार ओ परम दिव्य स्वरूप थिले। श्री साई बाबांकर दिव्य स्वरूप एही परि थिला। एक अपरिमित अनंत सत्य एवं अपरिवर्तनशील सिद्धांत जहाँ अधीन रे समग्र विश्व मूर्तिमान श्री साई बाबांकर ठारे ताहा प्रतिलक्षित हेउथिला। एही अमूल्य निधि केवल सत्वगुण संपन्न एवं भाग्यशाली भक्तिंकु भक्त मानंकु ही प्राप्त हुए। जो माने श्री साई बाबांकु केवल मनुष्य बा साधारण पुरुष बोली मने करंती से माने वास्तविक अभागा बोली विचार करिबाकु हेबो। श्री साई बाबांक माता पिता तांकर जन्मतिथि ठीक भावरे काहाकु जणा नथिला। तथापि शिरडी रे तांकर अवस्थानरु ए संपर्क रे किछिटा आकलन करा जाई पारुछि। जेतेबेले बाबा प्रथमे शिरडी आसीथिले सेही समय रे तांकर वयस प्रायः 16 वर्ष थिला। शिरडी रे 3 वर्ष रहिया परे से पुणी अंतर्ध्यान होइगले। किछि वर्ष परे औरंगाबाद निकट रे से प्रकट हेले एवं चांद पाटिलिंक बरजात्री सहित
मिसी शिरडी रे पुनः पदार्पण कले। सही समय रे तांकर बयस प्राय 20 वर्ष होइथिले। तो एहा पर ठारु 60 वर्ष पर्यंत से शिरडी रे अवस्थान कले एवं 1918 रे महासमाधि रे लीन हेले। एही तथ्य आधार रे आमे कहि परिबा बाबांकर जन्म 1838 मसिया रे होइथिले। बाबांकर ध्येय कौन थिला, बाबा कौन ध्यान करथिले एवं बाबा कौन कहउथिले से विषय रे सुनिबा। सप्तदश शताब्दी संत रामदास प्रकट होइथिले एवं से जवन मानक ठारु गो एवं ब्राह्मण को रक्षा कार्य सफलतार सहित संपन्न कले। दुई शताब्दी अतिवाहित हेबा परे हिंदू और मुसलमान मध्यरे वैषम्य वृद्धि पाइला ओ यहाँ को दूर करने निमंते श्री साई बाबा प्रकट है। सप्तदश शताब्दी ये आम विंश शताब्दी चलती तो 300 वर्ष पूर्व कथा बाबा कहउछंती जे संत रामदास गो और ब्राह्मण रक्षा पाई किपरी से माने संत किपरी अहितुक कार्य करथिले संसार कल्याण पाई ताहा परे हिंदू एवं मुसलमान वैषम्य वृद्धि पाइबारु बाबा साई बाबा आसिथिले। तो समस्तंक निमन्ते तांकर उपदेश थिला राम एवं रहीम एक ओ सेमानंक मध्ये कौनसी प्रभेद नाही। तुम्हें तांकर अनुगामी होई काहिंकि परस्पर भितरे कलह करुछ अज्ञानी बालक। दुई संप्रदाय मध्ये एकता रखि परस्पर मिलिमिशी रह शांति रे जीवन जापन कर एवं एही परि भावरे राष्ट्रीय एकता ध्येय प्राप्ति कर। कलह एवं विवाद व्यर्थ अटे। परस्पर मध्यरे विवाद एवं प्राणघातक हेबारु निवृत्त रह। सर्वदा निजर हित तथा कल्याण चिंता कर। श्रीहरि निश्चय तुमको रक्षा करिवे। योग वैराग्य तप ज्ञान इत्यादि ईश्वर निकट में पहुँचवार प्रकृष्ट मार्ग अटे। जदि तुम्हें कौनसी मत सफल साधक हो पारुना ताहले तुमर जन्म व्यर्थ हला बोली जान। तुमर जेते भी निंदा करूना काही तुम्हें तार प्रतिवाद कर ना। जदि किसी शुभकर्म करिवार अच्छी इच्छा थाए ताहले सर्वदा अन्यर भल कर। संक्षेपरे श्री साई बाबांकर उपदेश होची उपरोक्त कथा अनुसारे आचरण प्रदर्शन कले उभयंकर भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति संभव हो। ओम साई बाबा।